सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन. थैंक यू. देसी कढ़ाई चिकन कढ़ाई कैसी है. टमाटो कटिंग, टमाटर की आपने कटिंग ली इस तरह और आपने इसके स्लाइस छोटे छोटे काट लेने हैं ऐसे टमाटर के. ये चिकन कढ़ाई होगी देसी स्टाइल, देसी स्टाइल और होगा रेस्टोरेंट से हट कर होता है. इसके आपने टमाटर काट लेंगे तो फिर उसके बाद ये ऑनियन कटिंग शुरू हो गई है. प्याज की कटिंग ऐसे प्याज काट लेना है बरीक बरीक. ये देखिए किस तरह में तेज तेज काट रहा है. आपने नाइफ को ऐसे चलाने और अपनी जो फिंगरों को आपने ऐसे पीछे की तरफ बचा के रखने ऐसे इस तरह. फिर इस तरह नाइफ जो हाथ पे नहीं लगता, नहीं तो छुरी लग जाती है. ये हमने 5 किलो चिकन ले लिया. 5 किलो चिकन को हमने धो लिया ये देखें ऐसे. और इसमें हम अब जिंजर जो है अदरक को हम इसमें कूट रहे हैं. अदरक को कूट लिया है. देसी तरीका यही है कूटने का. तो आजकल तो दूसरी मशीनों से ही बंदा वो जो लगाया उसी वगैरह हमने हाथ से घुमाया हो गया. ऑयल लिया हमने, घी जो है हम इसमें घी डाल रहे हैं. ठीक है, ये हम पतीले में घी डालकर और फिर ये जो है इसमें हम डालेंगे जो टमाटर और ये जो हमारे पास प्याज कटिंग है. प्याज डाल लिया हमने और उसके बाद हम डालेंगे इसमें फिर टमाटर. ये इनकी हमने अच्छे तरीके से बनाई करनी है. अब इसमें साल्ट, रेड चिल्ली, हल्दी वगैरह वो चीज़ें हमने डाल दी हैं. इस मसाले को हमने अच्छी तरह से पकाना है. ठीक है, दूसरे तरीकों में ये होता है कि चिकन कढ़ाई के लिए पहले आप चिकन ब्राउन करते हैं. लेकिन इस तरीके में पहले आपने ग्रेवी को, टमाटर को अच्छे तरीके से पका लेना है. जब ये बिल्कुल ऑयल छोड़, अब देखना ये ऑयल छोड़ने लग गई हैं. जब ऑयल छोड़ देती हैं तो इसका मतलब है टमाटर की ग्रेवी तैयार हो गई है, बिल्कुल बन गई है. फिर उसके बाद हमने इसमें चिकन को डाल दिया. अब चिकन को हम इसमें अब थोड़ी सी इसकी बनाई करेंगे. बनाई करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे. पानी डाल के इसको फिर कवर कर देंगे इस तरह. इसमें ज़्यादा ग्रेवी बनानी पड़ेगी, ज़रा पतली होगी, ज़्यादा थिक नहीं होगी. अब ये देखें ये थिक है. इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं ऐसे, इसको ऐसे हिलाते रहेंगे. अब ये देखें, अब ये बिल्कुल अब उस पर ये पहुँच चुकी है. इसमें अब वाटर डालना होगा हमने ना. तो अब ये देखें इसमें हमने मसाले डाल देंगे. ठीक है, ये हमने ज़ीरा इसमें डाल दिया है, गरम मसाला जो होता है. ये देखो इस तरीके से हमने ये 5 किलो चिकन ये जो है ये इस तरीके से आपने इसको बनाते रहने हैं. साथ साथ ये बनाई इसकी इस मसाले के अंदर हो रही है ताकि चिकन की बोटी कच्ची ना रहे. ठीक है, ऐसे साथ साथ हिलाते जाएँ हिलाते जाएँ. ठीक है, ऐसे बिल्कुल. अब हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना है. वाटर, वाटर थोड़ा सा वाटर हम इसमें और डालेंगे. ये हमने थोड़ा बहुत, अब हम इसको कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए. और 20 मिनट बाद ये देखिए ये तैयार हो गया. इस तरह प्लेटों में लगा दे. ये हमने इसको तेज़ इसलिए पेश किया ताकि टाइम भी बच जाए. अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक्स.